नमस्कार, मैं अंकित श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। टैंक फातिमा हॉस्पिटल की तरफ से रौनाही में निशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने ग्रामीणों का मुफ्त में इलाज किया और बीमारियों की जाँच भी की गयी। हॉस्पिटल के डॉक्टर मेराज अहमद ने बताया कि हमारा अस्पताल जिले का पहला अस्पताल है जहां पर बच्चों के लिए NICU की व्यवस्था है, साथ ही साथ वेंटिलेटर की व्यवस्था भी हमारे स्थान में है। डॉक्टर मेनराज का कहना है कि जो लोग फैजाबाद शहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए गांव-गांव कैंप लगाकर मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, साथ ही बीमारियों की जाँच भी की जा रही है। बाइट मेराज अहमद डॉक्टर। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मेराज अहमद खान साहब, कमाल खान साहब, डॉक्टर सबा खान साहब, जिनका हॉस्पिटल फातिमा हॉस्पिटल है। ये जो है फैजाबाद, क्या कहते हैं, निकट जो है DM आवास फैजाबाद के पास सिविल लाइन में है। हमारी इनकी बातचीत हुई, हालांकि ये लोग काजीसराय से ताल्लुक रखते हैं, काजीसराय जो अंबिकापुर विधानसभा में है। ये हुआ कि गांव-गांव जो है एक कैंप लगाया जाए और उसमें डॉक्टर साहब का जो सहयोग सपोर्ट और इनके हॉस्पिटल का भी एक प्रचार प्रसार भी होगा। और तमाम गांव की औरतें हैं, मर्द हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो शहर नहीं जा सकते, नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसमें हर चीज़ भी आ सकती है। गांव-गांव कैंप लगा के एक अच्छा ये होगी कि उनको फ्री में इलाज मिल जाएगा। और तमाम ऐसी बीमारी है जो हो सकता है कि अभी स्टार्ट हुई हो तो उससे पता लगेगा, तो इससे जो है उनकी हम लोग जान भी माल भी हर चीज़ की, वो तो जान की रक्षा करने वाला अल्लाह है, लेकिन ये है कि स्टार्ट में अगर पता लगेगा तो उससे बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। और इस तरह के जो तहरीक चला रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत खुशी है कि हर गांव में इस तरह का प्रोग्राम लगेगा। इससे जो है तमाम लोगों को दवाएँ मिलेंगी और उससे उनको जो परेशानी है वो परेशानी दूर होगी। इस तरह का हम लोग सोच रहे हैं कि हर गाँव में चलाया जाए, यही हम लोग का और डॉक्टर साहब का एक प्रयास है। और ये प्रयास देखिए कहाँ तक सफल होता है, कोशिश अपनी जारी रहेगी, बाकी अल्लाह की मर्जी। बोलेंगे तो ये यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कोई राजनीतिक फैजाबाद नहीं पहुँच सकते हो, हम लोग घर घर गांव गांव कैंप लगा रहे हैं। उसका मकसद है कि जो लोग फैजाबाद नहीं पहुँच सकते हैं, गरीब हैं, उनको हम लोग यहाँ पर फ्री में एडवाइस, फ्री में दवा और फ्री में जो है जाँचें कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि फातिमा हॉस्पिटल फैजाबाद का अकेला हॉस्पिटल है जहाँ पर ICU बच्चों का NICU है, ऑपरेशन के साथ में हमारे यहाँ NICU है। फैजाबाद का पहला हॉस्पिटल है जहाँ ऑपरेशन के साथ वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। अभी तक के क्या होते थे, जो बच्चे सीरियस होते थे हम लोग फैजाबाद भेज देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, फैजाबाद में लखनऊ भेज देते थे, लेकिन अब फैजाबाद में लखनऊ की सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ जो फैजाबाद लखनऊ में जहाँ पर वेंटिलेटर की पर डे की कॉस्ट 15,000-20,000 रुपए होती थी, हम लोग बहुत कम रेट में गरीबों के लिए एक तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, 7,000-8,000 रुपए में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस माने में जो है फैजाबाद अस्पताल हमारा जरूर छोटा है, लेकिन एक छत के नीचे कम से कम 3 विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद है। मैं डॉक्टर मेराज अहमद हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। पहले मैं अम्बेडकर राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। मैं वहाँ रिजाइन दे करके अपना अस्पताल चला रहा हूँ। जो ऑपरेशन लोग 50-60,000 में करते हैं, हम लोग समाज सेवा में 25,000-20,000 रुपए में ऑपरेशन वहीं फैजाबाद में कर रहे हैं। हमारे यहाँ दूरबीन से सारा ऑपरेशन होता है, गुर्दे का, पित्त की थैली का, पथरी, अपेंडिस का, जितने भी ऑपरेशन है सारे सब दूरबीन से हम लोग करते हैं। और हमारा जो छोटे भाई डॉक्टर कमाल साहब हैं, ये MBBS के एजेंसी से ही किया, हमने भी के एजेंसी से किया है, और MD DCH इन्होंने के एजेंसी से किया, और DNB पीडियाट्रिक्स, यानी इतनी बड़ी डिग्री के साथ फैजाबाद में बहुत कम अस्पताल है जहाँ पर हर जगह पर कहीं आपको एक डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा, बाकी सारे ऑन कॉल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सुविधा है कि हम लोग सारे लोग 24 घंटा उपलब्ध रहते हैं अपने अस्पताल में, और लोगों को जानकारी भी इसीलिए कैंप लगाकर मुहैया भी करा रहे हैं कि आपको अब लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है, वो सुविधा हम फैजाबाद में उपलब्ध करावा रहे हैं फैजाबाद फातिमा हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब के माध्यम से तो हम ये कहेंगे कि लोग फिट रहें, आपस में भाईचारा रहे,
एक दूसरे के परेशानी में मदद करें और यही है कम उद्देश्य ये है कि लोगों को बात पहुंच जाए कि जो सुविधा लखनऊ में उपलब्ध होती है वो आज फैजाबाद फातिमा हॉस्पिटल में फैजाबाद में वो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। ये हमारा दूसरा कैंप है, एक कैंप हमने प्रदर्शन में लगाया था एक महीना पहले, आज ये दूसरा कैंप रौनाई में हम लगा रहे हैं और ये जारी रहेगा। हम चाहते हैं लोग जागरूक हो जाए, जाने की सुविधा जो लखनऊ की सुविधा है ये फैजाबाद में आधे रेट में उपलब्ध है, लोगों को उससे फायदा होगा, लखनऊ जाने की जरूरत नहीं महसूस होगी।